मुझे करनी है डायरेक्ट शादी। तो आपने डायरेक्ट शादी करनी है तो डायरेक्ट रिश्ता भेजे, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप मुझे नंबर देंगी, हम बात करेंगे तो मैं आपके घर पे रिश्ता भेजूंगा ना, नंबर बताएं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सलाम करो नई अम्मी को। ये क्या तरीका है, आपका बेटा है फिर आप मुझे क्यों चीट कर रहे थे, मुझे क्यों कह रहे थे? वाइफ है लेकिन वो पागल है आदि, वो आधी रातों में कूट उठ के मुझे काटती है यार जगह जगह पे। अबे जाना तू, अभी अभी नहीं आना था, बाद में आता ना तू, तेरी दूसरी अम्मी नहीं लाऊं, दूसरी अम्मी नहीं लाऊं तेरे लिए। मैं तो शराफत से रहता हूँ ना। ओ खूबसूरत लड़की, पिघलना नहीं पिघलना नहीं, जैद जैद पिघलना नहीं पिघलना नहीं, पिघल जाता हूँ यार। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम जैद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03132। बात करने का मुझे यही तरीका आता है, क्यों पीछे के बात करें? मैं पीछे के बात करूँ, ये लो पीछे के बात कर लेता हूँ। बोलिए क्या मसला है? वो असल में मैं आपको कब से वहाँ से देख रहा हूँ, 15 मिनट से आप अकेली बैठी हुई हैं और आप इतनी प्यारी हैं, आपको अकेला बैठना अच्छा नहीं लगता। एक मेरी तरह क्यूट सा बॉयफ्रेंड होना आप पे वाजिब है ना। मैं अच्छा लड़का हूँ, अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और मैं अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, पैसे मेरे पास बहुत है, पैसे में मैं अंधा हूँ। अकेली लड़की को देखेंगे बैठी हुई है, आप आएंगे उसको अपनी कहानी सुनाएंगे कि आप अच्छे घर से बिलोंग है, तो क्या मतलब वो आपसे फ्रेंडशिप कर लेगी? किस तरह आप किसी के पास भी चले जाते हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं जाता। वो तो आपकी खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ खींच के लेकर आ गई, वरना मैं कभी भी नहीं जाता, मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, इस मामले में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप अच्छी हैं तो मैंने सोचा आपसे जाके बात करूँ, आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मुझे बोलने का मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला, सच्ची में झूठ बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। अभी आप मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके पास आ गया, आपको मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। और आप इतनी अच्छी हो, मुझे यकीन है ना आप मुझे रिलेशनशिप के बाद सब कुछ समझा दोगी। मुझे कोई समझाने वाले जो नहीं है ना, कोई लाइफ में सीधा करने वाला नहीं है। देखिए सीधा करने वाली की बात नहीं, आप आते आप एक्सक्यूज करते, आप मुझसे बात करते कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये दोबारा आऊंगा मैं, सही है? अच्छा समझ लो मैं दोबारा आ गया। देखें एक्सक्यूज मी, आप मुझसे 2.5 मिनट बात कर लेंगी? थैंक यू। अब सही है, ठीक है, अब अच्छा लगा आपको, अब बुरा तो नहीं लगा? आप सिंगल हैं? वो आप छोड़ें, आप अपनी बात करें। नहीं तो आप सिंगल हैं तो पूछ लूँ ना, वरना मैं सेकंड बेफ नहीं बनना ना मुझे। सिंगल हैं आप पक्का शुरू से? आप बोले छोड़ें आप उस चीज़ को। अच्छा छोड़ूं, मुझे आप अच्छी लगी तो सोचा आपसे बातचीत करूं, तो आपका नंबर मिल सकता है? मतलब देखिए मैं ऐसा वैसे नहीं हूँ कि मैं चीट करूँ या आपको पहले बातचीत करूँ, मुझे करनी है डायरेक्ट शादी। आपने डायरेक्ट शादी करनी है तो डायरेक्ट रिश्ता भेजें, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप मुझे नंबर देंगी, हम बात करेंगे तो मैं आपके घर पे रिश्ता भेजूंगा ना। ओके आप डायल करिए। दे रही हैं आप मुझे अपना नंबर? मैं आपको अच्छा लगा, आप डायल करिए। और पक्का नंबर पक्का पक्का दीजिएगा, सही वाला, ये नहीं कि खराब दे दिया। नंबर बताएं। मैंने मैसेज किया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आप चेक कर लें नंबर पे, आया गया ना मैसेज? हाँ, हाँ, ओके, मैंने चेक। बाकी मेरे पास आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, मैं जिंदगी भर आपको प्यार करूंगा और हमेशा लॉयल रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। और देखो मैं फालतू बात ही नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट शादी करनी है। एक मिनट, तेरे को अम्मी के पास छोड़ा था ना? ये असल में जो है ना मेरा बेटा है। आपका बेटा है फिर आप मुझे क्यों चीट कर रहे थे, मुझे क्यों कह रहे थे, मुझसे क्यों नंबर लिया आपने? अबे जाना तू, अभी अभी नहीं आना था, बाद में आता ना तू, तेरी दूसरी अम्मी नहीं लाऊं, दूसरी अम्मी नहीं लाऊं तेरे लिए। ये ले पैसे ले और चल चल जा यहाँ से। क्या देखिए आप उसको छोड़े, मुझसे बात करें, मेरी बात सुने, ये मेरा बेटा है। तरीका है आप इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ, ये कौन सा तरीका है? ये तो मेरा बेटा है ना। वो आपका बेटा है, ठीक है, मैंने आपसे कुछ कहा, बट आप फिर मुझे क्यों चीट कर रहे हैं? जब मुझे आप अच्छी लगी ना तो मेरे, कौन सा तरीका? आपका बेटा है, आपकी वाइफ है। वाइफ है लेकिन वो पागल है आदि, वो आधी रातों में कूट उठ के मुझे काटती है यार जगह जगह पे, नरम नरम जगहों पे। और तू, तेरे को मैंने बोला था नहीं आना, अम्मी के पास छोड़ कर आया, तेरे को समझ नहीं आता है? अभी नहीं बोले, उसकी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? आके बात की, उसने कुछ भी नहीं कहा है भाई, आप उसको छोड़ दें। ये वाली अम्मी चाहिए ना,
चाहिए कि नहीं चाहिए, वही वाली चाहिए। अबे भाई तू भी अपनी माँ पे गया है भाई, मुझे तो आप पसंद हो, मैं आपके घर डायरेक्ट शादी करूंगा। देखो इस्लाम में चार जायज है, आप बच्चा ले और सीधा जाए, मुझे आपसे किसी मैं बच्चा लेके उसकी दूसरी अम्मी भी लेके चले जाता हूँ ना यार, आप चले ना मेरे साथ। मैं बच्ची की वैसे आपका लिहाज करी, उसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोले। एक और भी है वो गोद का, वो उसकी बेबी के हाथ में, वहाँ पर चले ना आप, थोड़ी भी शर्म है। चले मैं आपकी सोतन से भी आपसे मिलवा देता हूँ ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। अच्छा ना, आप गुस्सा नहीं करो ना, गुस्सा नहीं करो, फिर आप बात सुने और जाए यहाँ से। बेटा देखो बच्चे की मासूमियत देखो, उसको दूसरी अम्मी चाहिए, उसकी वो जो ओरिजिनल अम्मा है वो उसको मुंह ही नहीं लगाती। मैं उसी की मासूमियत की वजह से आपका लिहाज करी, उसको ले और आप जाए यहाँ से। देखो भाई हम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है ना मामा पापा की, हाँ बोलो, समझ रहे हो, हाँ है ना अच्छी लग रही है ना जोड़ी। देखो बच्चे को भी पसंद है, प्लीज। वो बच्चा है, वो मासूम है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, हम लोग वैसे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है, हम कुछ भी बोले। पापा मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा। देखो मम्मा भी बोलना सीख गया, कर लो ना, अब कर लो ना इस बेचारे के लिए। इस तरह का नहीं होता, मैं बच्चे की वजह से दोबारा कह रही हूँ, लिहाज कर रही हूँ। आप लिहाज नहीं करो ना, आप शादी कर लो मुझसे। मैंने नहीं करनी शादी, मैंने आपको पहले बोला था, आप आए मुझसे बात की, फिर भी मैंने कहा आप एक्सक्यूज करके आए मुझसे बात करे, देन मैंने आपसे बात की, देन फिर मैंने आपको अपना नंबर दिया, उसके बाद भी ये सब कुछ, ये क्या है। पहले भी कहा बच्चा खड़ा हुआ है इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। बच्चे जाओ अम्मी के पास, क्या चीज दिला दे, समझ नहीं आता क्या हुआ। बच्चे से आराम से बात करें, बच्चे की कोई गलती नहीं, अपने किए हुए बच्चे पे नहीं डाले। तो मैं इसकी अम्मी ढूंढ रहा हूँ ना दूसरी वाली, आप अच्छी लग रही हो उस वजह से कह रहा हूँ मैं। अच्छा लगना अलग बात होती है, बच्चे पे किस तरह शोर कर रहे हैं आप। तू भी गलत टाइम पे आ गया, तेरे को तेरी अम्मी, तू अपनी वाली अम्मी के पास जा, चल 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 जा यहाँ से, चल 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 चल। चीज के बच्चे, तेरे को चीज का काटा ला दूंगा अभी, चले तू गलत टाइम पे आ गया, जा 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 जा। मेरी बात सुनो, मैं जो है ना आपसे करना चाहता हूँ, आप भूल जाए इसको। मैंने आपको नंबर दिया, आप सबसे पहले मेरा नंबर डिलीट, मैं डिलीट नहीं करूँगा। मैंने आपसे कहा मेरा नंबर डिलीट, मैं नहीं करूँगा, मैं शादी करने और जाए वो से। जा भाई यहाँ से, चल चल अम्मी के पास जा, अम्मी के पास जा। क्या हुआ, नंबर सबसे पहले, क्या हुआ, मेरी बात सुनो, क्या हुआ, मेरा नंबर डिलीट करें तो आराम से बोले ना। नहीं आप आराम की सुन रहे हैं, मैं आपको कब से कह रही हूँ आप बच्चा ले और जाए। मैंने बच्चे के लिए उसकी अम्मा बन जाए, कितना मासूम बच्चा है। मैंने आपसे कहा ना, नहीं आप पहले मेरा नंबर डिलीट करें। मेरी बात सुनो, क्या हुआ, पहले मेरा नंबर डिलीट करें। अच्छा ना मैं कर रहा हूँ ना, मैंने आपसे कहा मेरा नंबर डिलीट। अच्छा ना, अच्छा 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 अच्छा, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, बात सुने आप आराम से। अच्छा मैं कर रहा हूँ ये, अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखें ये नंबर है, ये मैंने सेव किया था, अभी मैसेज किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके ठीक है, बच्चा ले और जाए यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुने, हम लोग मजाक कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, वीडियो बना रहे थे, वो देखे वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। क्या तरीका है, ये सब एक प्लान था, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, छोटा सा फनी एंटरटेनमेंट। क्या बदतमीजी है वैसे, हम लोग यूट्यूबर थे, छोटा सा प्रैंक बना रहे थे, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं। तो अगर आपको नाराज ना हो तो हम ये चैनल पे डाल सकते हैं अपने। स्टूपिड है, स्टूपिड तो है, लेकिन अब हम क्या करें, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं। okay. आप बैठ जाएं, आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी, ठीक है। कैमरे में देख के एक दफा हाथ दिला देंगे। चोर बोला, सैफ चोर बोला, ऐ सब को आसान है, सैफ चोर बोला। तो मुझे करनी है डायरेक्ट शादी, आपने डायरेक्ट शादी करनी है तो डायरेक्ट रिश्ता भेजें, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आप मुझे नंबर देंगी, हम बात करेंगे, तो मैं आपके घर पे रिश्ता भेजूंगा ना।